हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आज मैं आपको फर्टिलाइजर बनाना दिखाऊंगी कि किस तरह हम अपने घर के जो छिलके होते हैं उनसे फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए, ये कुछ मेरे घर के निकले हुए छिलके हैं जो मैं इस चार में डाल रही हूँ दोस्तों के सामने। ये देखिए आप, ये देखिए इसमें ये छिलके आपको इसमें डालने हैं दोस्तों। ये हमारे घर के हैं, कुछ संतरे के हैं और खीरे के छिलके हैं, प्याज के छिलके, कुछ भी ठीक है। बस इसके अंदर आपको उबली हुई कोई चीज़ नहीं डालनी है। उबली हुई जैसे खाना पका हुआ हो वो नहीं डालना, और उबला हुआ कोई भी फूड हो वो आपके इसके अंदर नहीं डालना है। जो भी डालें आप, वो इस तरीके के छिलके होने चाहिए और कुछ नहीं। और आपको करना है, ये जो पानी है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ये देखिए आप, ये पानी मैंने इसमें मिला दिया है, ये देखिए ये पानी मिला दिया और ये कैप मैंने लगा दी। ये देखिए, ये देखो, दिख रहा है आपको छिलके, इसको कैप को लगा दो और इसको 2 दिन के लिए किसी शेडी प्लेस में आप इसको रख दीजिए। 2 दिन के लिए, 2 डेज के लिए आप इसे किसी शेडी प्लेस में रख दो। अब कुछ ये 2 दिन बाद दोस्तों इस तरीके से लिक्विड आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आपको करना क्या है, जब आपको अपने पौधों में इसको डालना है फर्टिलाइजर को, तो आपको करना क्या है कि ये 1 कप आपको, ये देखिए ये मेरा दही का डब्बा है दोस्तों, ये 1 कप आपको ये लेना है और एक सेम यानी 1 कप ये पानी लेना है ठीक है। दोनों की मात्रा जो है बराबर रखनी है, 1 मग ये लेना है और 1 मग ये पानी लेना है। करना क्या है दोस्तों, और मैं आज ये जो फर्टिलाइजर है ये अपने कुछ, ये जो मेरे इंडोर प्लांट है मैं इन्हें दे रही हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए। कुछ अच्छा दोस्तों, नमस्ते। स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा दोस्तों, बाय।